दुर्ग में भाजपा का हर घर तिरंगा पदयात्रा प्रारंभ। बरसते पानी में हाथों में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ता, जगह जगह स्वागत भी किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत दुर्ग में मंगलवार को चंडी शीतला मंडल में चंडिका माता की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और भारी बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे करते हुए लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील। पदयात्रा के पूर्व सभी नेताओं ने चंडी चौक के ऐतिहासिक स्थल, जहाँ 9 अगस्त 1942 क्रांति दिवस पर दुर्ग के क्रांतिकारियों द्वारा किए गए मार्च स्थल पहुंचकर भारत माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, बाल मुकुंद देवांगन व पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर और जिला महामंत्री ललित चंद्राकर के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शीतला चंडी मंडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया। सुबह माँ चंडी के मंदिर में पूजा अर्चना करके हमारे सारे कार्यकर्ता, बंधु, बहनें सामूहिक रूप से गली गली, घर घर जाके लोगों से निवेदन किए हैं कि 13 से 15 तारीख तक अपने दुकान, मकान, आवास, निवास में तिरंगा लहराए। निश्चित तौर पे काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता और ख़ास करके हमारे दुर्ग नगर के जो बंधु बांधव हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।